स्वागत आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए, ममता बनर्जी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा हमला बोला है। कहा कि ममता जी के पास कहने के अलावा और कुछ नहीं है, बंगाल के अंदर लोगों को दबाया जा रहा है। ये बड़े आरोप लगाए गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से ममता बनर्जी पर। उन्होंने कहा कि ये प्रजातंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, बंगाल में भाजपा सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। ये बड़ा दावा भी किया गया मुख्यमंत्री की ओर से। बताते चले कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया जा रहा था, बंगाल में भाजपा सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी, ये दावा किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। उन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि ममता जी के पास कहने के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। तो तस्वीरें रोड शो के दौरान की आपको दिखा रहा है। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो करने पहुंचे और इसी दौरान जब लोगों से मिल रहे थे और संबोधन करने के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं उन पर कड़ा निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो चुनावों का दौर जारी और ऐसे में लगातार वार पलटवार भी किया जा रहा है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा सीएम। देखिए जिस तरह से ममता जी जो कहती है ना, आप उसका उल्टा कर दिया करो। ममता जी के पास और कहने के अलावा कुछ नहीं। जिस तरह से बंगाल के अंदर लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों के जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो आलम है, जिस तरह से बंगाल के अंदर जो हो रहा है, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आएगी, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर बहुत बड़ा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पर सीएम का भव्य स्वागत हुआ और इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधन किया। इस दौरान विपक्ष पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। कई बड़े आरोप भी लगाए गए ममता बनर्जी पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी, इस बार बीजेपी कॉन्फिडेंस में है कि इस बार बड़ी सीटें मिलने वाली। पंजाब के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर गुरदासपुर से, सुखजिंदर सिंह रंधावा को टिकट दिया गया है। पंजाब के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। राजस्थान के प्रभारी हैं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को गुरदासपुर ने, पंजाब के गुरदासपुर से कांग्रेस ने टिकट दिया है। पंजाब के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो महासंग्राम 2024 से जुड़ी इस वक्त यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में पंजाब से भी अब धीरे धीरे प्रत्याशी उतारना शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम भी शामिल किया गया। उन्हें गुरदासपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो अब एक एक कर पत्ते खुलने लग गए हैं, जहां कभी कांग्रेस इंतजार कर रही है कि पहले बीजेपी अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान करे, तो वही पंजाब में अपने तुरुप का इक्का पत्ता खोल दिया है। और यहां पर बड़ी सूचना ये मिल रही है कि गुरदासपुर से राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो 4 जून को नतीजे सामने आने वाले, उससे पहले अलग अलग चरणों में वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी। और इसी बीच महासंग्राम 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है और पंजाब से चुनावी मैदान में उतारा है। गुरदासपुर सीट से टिकट दिया गया है सुखजिंदर सिंह रंधावा को। बेहद दिग्गज नेता है, अपने तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। लगातार बीजेपी पर हमलावर भी रहते हैं, कई आरोप उनकी ओर से लगाए जाते रहे बीजेपी पर, और ऐसे में उनकी छवि को देखते हुए बड़ा दांव खेला है कांग्रेस ने और सुखजिंदर सिंह रंधावा को पंजाब के गुरदासपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया। अभी कई सारे ऐसे सीट्स बाकी हैं जहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी है, लेकिन पंजाब की कई सारी सीट्स जहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम भी शामिल है।
यहाँ पर मुकाबला बेहद टाइट होने वाला है और ऐसे में ये फाइट देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। जब नतीजे आएंगे 4 जून को तभी पता चलेगा कि क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा इस सीट पर जीत हासिल कर पाते हैं। और ये देखिए 4 प्रत्याशियों की लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। गुरदासपुर से सुखजिंदर सिंह रंधावा और इसके साथ साथ 3 अलग अलग और उम्मीदवार उतारे गए हैं। खादौर साहिब से कुलबीर सिंह जीरा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आनंदपुरा साहिब से विजय इंदर सिंगला को और लुधियाना से अमरिंदर सिंह बराड़ को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंजाब से 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका रंधावा जी न्यूज 18 राजस्थान पर और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। कैसे देखते हैं जिम्मेदारी को? पहली बात तो राजस्थान न्यूज 18 का मैं आभार व्यक्त करता हूं और इनका मेरे ऊपर जब से मैं आया हूं राजस्थान में जी दिसंबर में मैं आया था तब से लेकर आज तक जो आपके चैनल ने मेरे को स्पेस दी और जो पॉजिटिव न्यूज आपने दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया क्योंकि आपने बहुत अच्छी जो जर्नलिज्म है आपके न्यूज 18 की आपके सारे स्टाफ को और आपके जो मालिक है उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्लियामेंट और असेंबली दोनों इलेक्शन आपने अपराइट तरीके से आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं आया कि आप किसकी मदद कर रहे हो इसके लिए आपका धन्यवाद जी। अभी ये आपको प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है गुरदासपुर सीट से, इसके लिए क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? देखिए एक मेरे परिवार का जो पिछोकड़ है वो आप जानते हैं राजस्थान से जी जी वहां से 26 को इलेक्शन खत्म हुई तो हाईकमांड ने मेरे को आज 29 है बहुत बड़ी जिम्मेदारी और मेरे ऊपर जो फेथ किया है पहले मेरे को इतनी बड़ी स्टेट का इंचार्ज लगाना और मेरे ऊपर पार्टी का विश्वास होना और मैं परफॉर्मेंस भी अच्छी कर गया हूँ राजस्थान में। सभी लोग कहते थे इतने रह जाएंगे, बहुत नजदीक हम पहुंच गए अपनी जीत के लिए। तो मैं अपनी हाईकमांड का आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक कांग्रेसी परिवार को नवाजा है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे को दी है। वो देखें बिल्कुल साफ छवि के नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, मैदानों में भी रहते हैं, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दिया, आप पर भरोसा भी जताया, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है 400 प्लस का। देखिए अब तो मेरे ख्याल बीजेपी के बड़े बड़े नेता राजस्थान में जैसी वो स्पीच प्राइम मिनिस्टर साहब बोलकर गए हैं तो मेरे को दुख लगा उनकी जो बाड़मेर में बोलकर गए माइनॉरिटीज के अगेंस्ट और 400 बार की तो आप प्रधानमंत्री की बात जी राजस्थान में देख लेना। हाँ। 25 जीरो कहकर गए थे देखना हम कांग्रेस के जो वहाँ के वोटर हैं राजस्थान के मैं कहता तो उन्होंने देशभक्ति का सबूत दिया राजस्थानियों ने कि हम पहले देश है हमारे लिए फिर ये जुमलेबाजी बाद में हम सुनेंगे। बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं, आप भी कह रहे हैं कि आप बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर चुनावी मैदान में। चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको रंधावा जी और एक बार फिर से बहुत शुक्रिया न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, जयपुर से बड़ी खबर है 25 लाख रुपए की रिश्वत के मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताते चले। एपीओ चल रहे दो कलेक्टर हनुमान मल ढाका, ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पटवारी हंसराज चौधरी से आज इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा सकती है। दोनों को नोटिस भेजकर एसीबी मुख्यालय बुलाया जा सकता है। ट्रैप फेल होने पर एसीबी ने 26 अप्रैल की रात को केस दर्ज किया था। 204 बीघा जमीन के लैंड कन्वर्जन से जुड़ा ये पूरा मामला है। लैंड कन्वर्जन से को लेकर रिश्वत ली गई थी और इसी मामले को लेकर अब पूछताछ की जा सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पटवारी हंसराज चौधरी से आज इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा सकती है। बताते चले कि दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका एपीओ चल रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा दावा किया है, राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने का भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया गया। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर भी जीत का दावा किया गया है।
पूरे देश में पीएम मोदी की गारंटी की धूम है, ये बात कही गई है कैलाश चौधरी की ओर से। उन्होंने कहा कि जो मोदी की गारंटी है उसकी धीम पूरे देश में है, देश का हर वर्ग और जाति धर्म से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी को वोट कर रहा है। जब राजस्थान में 25 की 25 सीटें आ रही है तो उसमें बाड़मेर भी शामिल है और बाड़मेर में भी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि बाड़मेर जिला है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उसको हम आगे लाने के लिए जनता के अंदर एक उम्मीद है कि अगर कोई काम करवा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का एक विश्वास है और पूरे देश राजस्थान के अंदर भी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, इसलिए देश भर के अंदर एक तरह से चाहे उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने काम कराए, चाहे धारा 370 हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर बना हो, ये लोगों के दिलों में जगह कर चुके हैं और उस जगह को कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति आज नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसा हुआ है और मोदी जी के दिल में देश का आम नागरिक बचा हुआ है। तो इसलिए देश की जनता ने विश्वास आने वाले समय के अंदर मोदी जी के प्रति रखा है और जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्ण मतदान हुआ है और आगे जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ पर भी एक तरह से मोदी जी की लहर चल रही है और सभी जगह पर नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा आम व्यक्ति कर रहा है, इसलिए 400 सीटें हैं वो उससे पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। उधर पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनाव की शुरुआत हो रही है, भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए सफलतापूर्वक काम किया है, प्रधानमंत्री के प्रति जनमानस में श्रद्धा है। देखिए अभी चुनाव की शुरुआत पंजाब में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए सफलतापूर्वक काम किया है और उसके साथ साथ में देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, देश को आर्थिक रूप से प्रगति प्रदान करते हुए, देश का मान और सम्मान जिस तरह से विश्व भर में वापस स्थापित किया है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनमानस में जो श्रद्धा है उस विषय को नीचे धरातल तक पहुंचाते हुए कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर विचार करके आगे काम करें। पहले चुनाव पहले फेज में निश्चित रूप से वोटिंग पूरे देश भर में कुछ कम हुई थी और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में मतदान के प्रति इस तरह की उदासीनता सबके लिए चिंता का विषय, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, किसी पार्टी के पक्ष या फायदे या नुकसान के दृष्टिकोण से न देख करके यदि हम इसे इस तरह से देखें तो सब स्टेक होल्डर्स को इस पर विचार करना चाहिए, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को, चुनाव कराने वाली संस्थाओं को, नीचे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन दूसरे चरण में काफ़ी कूपअप हुआ है। यदि मैं ये कहूं कि दूसरे चरण में राजस्थान के दृष्टिकोण से, क्योंकि मेरा खुद का चुनाव उस समय में हो रहा था, तो कांग्रेस के मतदाताओं में जो है किसी भी तरह का मोटिवेशन फैक्टर न होने के कारण से कांग्रेस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। बिहार की पॉलिटिक्स पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए बिहार की सभी सीटें जीतेगी, बिहार में भारी जन समर्थन मिल रहा है और इस बार बिहार में एक भी सीट नहीं हारेंगे, ये बड़ा दावा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। से बात बिहार की भी करते हैं, बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का साथ लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए, तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी। जहां तक जन समर्थन का सवाल, तो मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन में देख रहा हूँ अनप्रेसिडेंटेड, इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं कुछ नहीं जी, और लाखों लोग
जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूं जी कि बिहार में पहले हम एकाध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। 40 में 40 एक भी नहीं हारेंगे। बहुत बड़ा बयान है।